तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू। विशाखा का शूटर और इसी के साथ पूजा संपन्न हुई। पांच चार तीन दो विशाखा जी आप आग कहाँ लगी आग? हाँ ओंकार, वो विशाखा जी के दुपट्टे में आग लग गई थी। मीरा आग बुझाओ, विशाखा जी को कुछ हो गया तो? विशाखा जी कुछ जला तो नहीं? हाँ ओंकार, सब ठीक है, आग बुझ गई है। शुक्र है सब ठीक है, विशाखा जी ठीक है। विशाखा जी आपको कुछ हुआ तो नहीं? कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? नहीं, बस छोटा सा चटका लगा है। मैं अभी बर्फ और दवाई ले आती हूँ। हाँ, वो पंडित जी को बाहर तक छोड़ कर आओ। कुछ जला तो नहीं? सब ठीक? सब ठीक। और इसी के साथ दूसरे दिन की बाजी भी हुई ओमकार के नाम। ये खेल तो आप बहुत बुरी तरह हारती हुई दिखाई दे रही हैं विशाखा जी। अब अपनी रानी को तो तुमने बचा लिया, लेकिन उस नन्ही राजकुमारी का उसका क्या होगा? उनका तुम चाहे जितनी भी बाजी मुझसे जीत लो, लेकिन सबसे अहम और आखिरी बाजी तो मैं ही जीतूंगी। उस नन्ही बच्ची ने तुम्हारा का बिगाड़ा? लेकिन उसके बाप ने तो बिगाड़ा है ना मेरा सब कुछ। तो फिर उस नन्ही सी बच्ची को अपने बाप का भुगतान तो भरना ही पड़ेगा ना। वी फॉर विशाखा, वी फॉर विक्ट्री। दो दिन है तुम्हारे पास, सिर्फ दो दिन, और इन दो दिनों में तुम अपनी सच्चाई अगर मयूरा को नहीं बताओगे तो तारा शाका जी चलिए आप आराम से बैठे। हाँ आइए। Thank you.
आज की बाजी तुमने जीत ली विशाखा, लेकिन आगे देखती जाओ क्या क्या होता है। ये विशाखा समझती क्या अपने आप को? उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी तारा को हाथ लगाने की? उम्मीद बेटा बात समझ, जब तक तारा बिटिया विशाखा के पास है हम उसका कुछ ना बिगाड़ सकते। आखिर वो विशाखा चाहती क्या है? तुम्हारी बर्बादी ओमकार। तुम्हारी बर्बादी। विशाखा अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहती है तुमसे। भाई साहब साफ साफ बोलिए क्या कहना चाहते हैं। मैं उस विशाल को जानता तक नहीं, मैंने क्या बिगाड़ा है उसको? संजय का इस फाइल में, और ये विशाल कौन है? विशाल गुप्ता एक छोटा सा संगमरमर व्यापारी। उस वक्त ओमकार दुनिया जीतने निकला था, जल्दी जल्दी संगमरमर खदानों पर अपने नाम का परचम फहरा रहा था। विशाल गुप्ता की खदान भी ओमकार ने खरीद ली थी, लेकिन उसके बदले में उसे बड़ी रकम भी दी थी। तो फिर उसने झूठ कहा था। जो खदान हमने उससे खरीदी थी वो खदान उस कीमत के लायक ही नहीं थी। मुझे याद आ गया है विशाल कौन है। हमने उस पर केस किया था और वो केस हम जीत गए थे। उसे हमारे सारे पैसे ब्याज समेत लौटाने पड़े, और तभी कंगाली के कारण उसने यह हवेली बेची और मैंने खरीद ली। और फिर क्या हुआ ओमकार जी? इसका मर्डर किसने किया? उसका मर्डर नहीं हुआ था, विशाल ने आत्महत्या की थी। इसका मतलब विशाखा तो उसकी मौत का जिम्मेदार मानती? हाँ पापा, पर इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। मैंने सिर्फ उससे अपने पैसे लिए, उसने हवेली बेची, मैंने खरीदी। मुझे नहीं पता था पापा, पैसे ना होने के कारण उस पर मानसिक दबाव है और उसकी वजह से वो ऐसा कदम उठा लेगा। अगर मुझे पता होता मैं उससे पैसे लेता ही नहीं, और ना ही हवेली खरीदता। बिजनेस में हुआ नुकसान समझ के माफ कर देता। उम्मीद बेटा उम्मीद, तू अभी कभी मेरे संग चल, हमें विशाखा से बात करनी पड़ेगी। देख उसे बोलना पड़ेगा जो कुछ भी उसके संग हुआ है ना, उसके लिए हमें बहुत अफसोस है और इसमें तेरी कोई गलती ना। तू चल मेरे संग। सही पापा, विशाखा के मन में बदले की भावना आज से नहीं, पिछले 10 साल से पनप रही है। हाँ पापा, ये 10 साल पुरानी बात है, और अगर इन 10 सालों में विशाखा कभी मुझसे कुछ पूछने नहीं आई, बोलने नहीं आई, इसका यही मतलब है कि वो कुछ सुनना नहीं चाहती। वो सिर्फ और सिर्फ मुझसे बदला लेना चाहती है, जिसका इंतजार वो पिछले 10 साल से कर रही है। अभी मैं कुछ भी कहूँ है ना, उसे यही लगेगा कि मैं खुद को बचाने के लिए बोल रहा हूँ। वो भरोसा नहीं करेगी मेरी बात का। लेकिन तुम करोगे क्या? मेरी तारा की जिंदगी का सवाल है। अगर विशाखा सीधे सीधे नहीं मानेगी तो मुझे ही उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तू करना क्या चाह रहा? भाई साहब, इस विशाल के बारे में जो कुछ भी पता कर सकते हैं ना करिए, जितनी तस्वीरें हासिल कर सकते हैं करिए, मुझे सब कुछ देखना है। आखिर आप करना क्या चाहते हो ओमकार जी? संजय भाई साहब ने जो फाइल दिखाई थी उसमें यह लिखा था कि कल विशाखा का बर्थडे है। कल उसे मैं ऐसा बर्थडे गिफ्ट दूंगा कि वो चौंक जाएगी। ये सब क्या है? Happy birthday to you. Happy birthday, dear Vishaka ji. Vishaka ji, आज आपका birthday? हाँ है। तो आपने मुझे बताया क्यों नहीं? गलती मेरी है, मैंने तो कभी पूछा ही नहीं आपसे। Happy birthday, Vishaka ji.
थैंक यू सो मच. लेकिन मैं अपने बर्थडे के बारे में किसी को बताती नहीं हूँ और ना ही मुझे सेलिब्रेट करना अच्छा लगता है. लेकिन हैरानगी तो इस बात की हो रही है कि ओमकार को मेरे जन्मदिन के बारे में कैसे पता चला. विशाखा जी, एक समय पे आप मेरी जानी दुश्मन थी और ओमकार अपने दोस्तों से ज्यादा दुश्मनों की खबर रखता है. स्मार्ट विशाखा जी, आई एम सो सॉरी, मैं आपके लिए कोई गिफ्ट्स नहीं लाई, बट आज मैं अपने हाथों से आपके लिए कुछ बहुत स्पेशल बनाऊंगी. मेरा प्लीज. विशाखा जी, आज मैं आपकी एक नहीं सुनने वाली, मैं अभी जा रही हूँ, बाय. हाँ लेकिन मयूरा प्लीज. गॉड, जन्मदिन मुबारक हो विशाखा जी. थैंक यू. तोहफे पसंद आए? तोहफे तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन उससे भी अच्छा तोहफा वो होगा मेरे लिए जब तुम मयूरा को अपनी सच्चाई के बारे में बता दोगे. क्योंकि मैं सोच रही थी कि तारा को मेरा तोहफा अच्छा लगेगा या नहीं. नहीं, विशाखा जी, कम से कम आज के दिन तो ओमी के संग लड़ाई झगड़ा मत करो. ओमकार तो बस इतना चाहतो है कि वो आज के दिन मयूरा के संग हंसी खुशी बिता ले, क्योंकि कल तो मयूरा ओमी के सच का पता चले वाला है ना. ओमकार पापा सही कह रहे. अरे वाह, तो ठीक है डन. आज नो लड़ाई झगड़ा, कोई गिले शिकवे नहीं, कोई साजिश नहीं. आज तक आप लोगों ने विशाखा की दुश्मनी देखी है, लेकिन आज दोस्ती की दिलदारी देखिएगा. लेकिन हाँ ओमकार, होशियारी दिखाने से पहले बस तारा का चेहरा याद कर लेना. It's running time now. अभी तो जन्मदिन शुरू हुआ, आगे आगे देखो होता है क्या. अरे वाह, इतने सालों बाद हमारे हाथ की बनी खीर खाने का मौका मिलेगा. ओमकार, मैं कैसे पता चला मैंने खीर बनाई है? मैंने तो तुम्हें बताया भी नहीं. मयूरा, मेरी आंखें गई, नाक नहीं, तुम्हारे हाथों की बनाई खीर की महक मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता. वैसे खीर वीर तो ठीक है, तुमने विशाखा जी के लिए कोई सरप्राइज सोचा? सरप्राइज? मयूरा, वो तुम्हारे लिए इतना कुछ करती हैं, तो तुम्हें भी तो उनके लिए कुछ करना चाहिए ना. आज तो मौका भी खास है. हाँ ओमकार, तुम सही बोल रहे हो, पर मैं अब क्या करूं, कैसे करूं? मैंने पहले क्यों नहीं सोचा कुछ, मैं इतनी बेवकूफ हूं ना. मयूरा, मयूरा, तुम परेशान मत हो, मैं हूं ना. मतलब? तुमने एक काम करो, शाका जी को किसी बहाने से घर के बाहर ले जाओ, फिर मैं पापा जी और मेघा के साथ मिलकर कोई ना कोई तैयारी तो कर ही लूंगा. फिर तुम सच में, मतलब हमारे बीच में इतना सब कुछ हुआ फिर भी मेरी मदद कर रहे हो और विशाखा जी के लिए भी ये सब कर रहे हो, क्यों? मेरा जो हो गया वो हो गया, पर आज का सच तो ये है कि उन्होंने मुझे इस हवेली में जगह दी, तुम्हारे पास आने का मौका दिया, इतना तो मैं कर ही सकता हूँ ना उनके लिए. तुम बदल रहे हो उनका अच्छे के लिए. थैंक यू.
मैं ये खीर देकर आती हूँ। ये सच है मेरा कि मैं बदल रहा हूं, इसलिए तुमसे सच छुपाते हुए ये अंधेपन का नाटक करते हुए मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। मेरा वादा है तुमसे, जो परिवार मुझसे बिखर गया उसे मैं वापस जोड़ के रहूंगा, तुम्हें और तारा को वापस पा के रहूंगा। मयूरा, वैसे भी इतनी सारी मीटिंग्स लाइंड अप है, ये अचानक से कौन सी मीटिंग आ गई? शाका जी, लास्ट मोमेंट है, पर ये सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग है, वी हैव टू गो। ओके, एज यू से। ओमी, ये जरा तैयार है, कतई तैयार है। विशाखा जी आज चौकिंग, ये बात पक्की है। अब वो खुशी से चौकेंगी या सदमे से, ये शाम को देखने में मजा आएगा। ओमकार जी, मेरे साथ आइए, मुझे कुछ मिला है, आइए। इतना अंधेरा क्यों है मयूरा? तो हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर विशाखा जी, हैप्पी बर्थडे टू यू। ये सब किसने किया? मयूरा ने, वो आपके साथ थी मगर सारी तैयारी उसी ने की है। बड़ी बहन से बढ़कर मानती है वो आपको। हाँ, और वैसे भी मयूरा की तो आदत है सबको खुश रखने की, और इसी आदत का लोग फायदा उठाते हैं। क्यों ये सब करती हो तुम सबके लिए? विशाखा जी, आज कोई इमोशनल ज्ञान नहीं, आज सिर्फ और सिर्फ सेलिब्रेशन होगा। ठीक है, चलो केक काटे। शाका जी, डॉक्टर ने मीठा खाने से मना किया। जन्मदिन मुबारक। अभी पार्टी है तो डांस तो बनता है ना? म्यूजिक।
देखो विशाखा, मैं तुम्हारे दिमाग के साथ खेलकर तुम्हारा क्या हाल करता हूँ।